नमस्कार साथियों, पीवीआर स्टडी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार आपके लिए आपकी इस विशेष महत्वपूर्ण क्लास लेकर के बेसिक मैथ क्लास सिक्स की एनसीईआरटी मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 यानी कि बेसिक ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था पिछली क्लास 26 में, ये 27 नंबर क्लास है। पिछली क्लास नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक होगी ऊपर इन स्क्रीन में, लिंक मिल जाएगी ऊपर, देखो कार्ड में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना, नहीं तो कमेंट करना तो कमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि संलग्न आकृति में दी गई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए, और क्या पूछा है, आप इन चार बिंदुओं में से किसी भी दो बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब जो ये आकृति दी गई है इसमें कितनी प्रकार की रेखाएं बन सकती हैं, सभी जितने भी पॉसिबल हैं उनके नाम लिखो। देखिए, पिछली अभी क्लास में हमने आपको बता दिया था रेखा और रेखाखंड क्या होते हैं, बहुत अच्छे से बता दिया था ना। तो साथियों, इसमें एक रेखा तो ये हो सकती है ए बी, लिखो इसका आंसर लिखो, एक रेखा क्या हो सकती है ए बी, एक और क्या हो सकती है ए सी भी एक हो सकती है ना, और एक हो सकती है ए डी। तो ये तो हो गया ए पर आधारित। अब अगर हम बी लें तो पहले एक रेखा हो सकती बी ए, बी ए हो सकती ना, तो इसी तरह एक बी सी भी हो सकती है, हो सकती नहीं, इसमें नाम लिख सकते हैं ना, और एक हो सकती बी डी, क्या हो सकता है बी डी। तो इस तरह से आप देखो, ये हो गई कितनी आपकी, आठ हो गई ना, छः हो गई ना, छः। सी अगर हम लेंगे तो फिर क्या होगा, देखो एक रेखा हमारी बन जाएगी सी ए, क्या बन जाएगी सी ए, एक बन जाएगी सी बी और एक बन जाएगी सी डी, क्या बनेगी एक सी बी और एक सी डी, ये हो गया इतना ना, ध्यान देना अभी और ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम डी लेंगे तो एक रेखा बन जाएगी हमारी डी ए, एक बन जाएगी डी बी और एक बन जाएगी डी सी। तो इस तरह से आपके कितने हो गए, ये 12 नाम हो गए, मतलब 12 रेखाएं बनेगी। अगर इसमें आप लिखोगे तो इसमें 12 प्रकार से रेखाओं के नाम लिख सकते हो। बात समझ में आई ना। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो जल्दी से लाइक कर दो और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना यार, जिससे आपको अगली क्लासें मिल सकें और सब कुछ पूरा मिल सके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अभी स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद। आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि इस क्लास को शेयर जरूर करना। नंबर नोट कर लो आप लोग, 7843839, ऊपर देखो लिखा है 7843839। इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर या फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना।